तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी कक्षा ग्यारह में चैप्टर नंबर तीन चल रहा है जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में माध्य कैसे ज्ञात करते उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और उसके आंसर ज्ञात किए थे तो आज फिर से स्वाध्याय तीन पॉइंट एक में माध्य के जो क्वेश्चन दिए गए हमें तो उसका आंसर हम ज्ञात करेंगे तो हमें स्वाध्याय तीन पॉइंट एक में स्वाध्याय तीन पॉइंट एक में पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो स्वाध्याय तीन पॉइंट एक में हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक नर्सरी में बोए गए पौधों की साप्ताहिक वृद्धि सेमी में निम्नानुसार दी गई है तो पौधों की जो वृद्धि का माध्य है वो ज्ञात करना है हमें ओके okay. तो सबसे पहले जितने भी अवलोकन दिए गए हमें ये यहाँ पे जितने भी पौधे हैं यानि एक नर्सरी में दस पौधे बोए गए थे और उनका माध्य हमें ढूंढना है तो हमें अवलोकन के तौर पे यहाँ पे दिया गया एक तीन पॉइंट दो एक पॉइंट चार एक पॉइंट नौ दो पॉइंट चार एक पॉइंट छः एक पॉइंट चार दो पॉइंट एक एक पॉइंट तीन और एक पॉइंट पाँच तो दोस्तों हम इस अवलोकन का टोटल करेंगे और यहाँ पे हमारा जो माध्य है उसका सूत्र है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन तो सिग्मा एक्स है दोस्तों सत्रह पॉइंट आठ और एन है हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यानी हमारे पास कुल अवलोकन दस है दोस्तों तो सत्रह पॉइंट आठ उसे हम सिग्मा एक्स कहेंगे जो दस अवलोकनों का कुल योग दिया गया है यानी हमने टोटल किया तो सत्रह पॉइंट आठ बटे दस करेंगे तो एक पॉइंट अठहत्तर तो पौधों की जो वृद्धि का माध्य है वो कितना होगा एक पॉइंट अठहत्तर अब दोस्तों उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर दो में यहां पे दिया गया है कि एक रिले रेस की एक टीम में चार स्पर्धकों की आयु आयु का का माध्य माध्य चौबीस वर्ष गिनी जाती है यानी चार स्पर्धकों की आयु का माध्य चौबीस वर्ष है अब यहाँ पे जो भूल हुई है उसकी बात करेंगे बाद में मालूम हुआ कि एक स्पर्धक की आयु वास्तव में वास्तव में सत्ताविस वर्ष की थी रियल उसकी आयुष्य यानी चार स्पर्धक में से एक की आयुष्य हमने गलती से जो सत्ताईस थी उसकी जगह पे हमने गलती से यहां पे पच्चीस ले लिए। तो हमें जो ये माध्यम मिला है बराबर ये गलत है इसे हम सुधारेंगे और सुधार के नया माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो गलती से जो टोटल हुआ है सत्ताईस की जगह में पच्चीस ले लिया था तो सबसे पहले इस माध्य का कुल योग ढूंढेंगे और उसके बाद सुधारा हुआ कुल योग ढूंढेंगे हम तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन तो हमारे पास एक्स बार है चौबीस और सिग्मा एक्स हमें ढूंढना है और बटे में चार क्योंकि चार स्पर्धक जो बटे में वो गुणा में जाएगा चौबीस इंटू चार तो कुल योग होगा नाइन्टी सिक्स छियानवे तो छियानवे कुल योग होगा अब इसके ऊपर से हम सुधारा हुआ कुल योग ज्ञात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सिग्मा एक्स ये यहां पे नाइन्टी सिक्स है और उसके अंदर से हम जो गलत है उसे माइनस कर देंगे पच्चीस और सही है उसे हम प्लस कर देंगे तो इसका टोटल होगा नाइन्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव करेंगे तो हमें इसका सुधारा हुआ योग मिलेगा दोस्तों नाइन्टी एट अब एक्स बार एक्स अपॉन एन तो यहाँ पे सिग्मा एक्स दोस्तो है दोस्तों 98 एट और एन है चार तो 98 एट बटे चार करेंगे तो चौबीस पॉइंट पांच मिलेगा यह हमने सुधारा हुआ माध्य ढूंढ लिया है अब उसी तरह से देखो दोस्तों यहां पे सिर्फ अवलोकन दिए गए थे हमें अब क्वेश्चन नंबर तीन में हमें अवलोकन भी दिया गया है और आवृत्ति भी दी गई है तो हम इसको फिर से यानी क्वेश्चन नंबर तीन गिनेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों तो यहां पे हमें स्क्रू का व्यास दिया गया है तो यहां पे लिखेंगे स्क्रू का व्यास स्क्रू का व्यास उसे हम एक्स मानेंगे दोस्तों तीस पैंतीस चालीस पैतालीस पचास और पचपन और उसके बाद हमें दी गई है आवृत्ति स्क्रू की संख्या स्क्रू की संख्या एफ तो स्क्रू की संख्या यहां पे लिखेंगे चार दस पंद्रह फिर आठ पांच और तीन अब हमें यहां पे माध्य ढूंढना है तो जब हमें अवलोकन और आवृत्ति दोनों दी जाए तब हम माध्य ज्ञात करेंगे दोस्तों सबसे पहले d संक्षिप्त रूप से हम माध्य ज्ञात करेंगे तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए तो हमें ये a क्या है x तो है हमारे पास लेकिन a क्या है तो ये माना हुआ माध्य होगा और वो माना हुआ माध्य हम x में से पसंद करेंगे और वो भी सबसे छोटी संख्या पसंद करेंगे दोस्तों सबसे छोटी संख्या उसी को हम माध्य मानेंगे अब उसको एक्स में से a को माइनस करते जाएंगे तो तीस में से तीस गए जीरो पैंतीस में से तीस गए पांच चालीस में से तीस गए दस 45 में से तीस गए पंद्रह पचास में से तीस गए बीस और पचपन में से तीस माइनस करेंगे तो पच्चीस अब हमें यहां पे एफ डी चाहिए क्योंकि माध्य का सूत्र होगा यहां पे लिखेंगे माध्य बार ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन तो हम यहाँ पे ई तो हमारे पास है कितना है तीस एन भी मिल जाएगा हमें तो एन क्या होगा तो आवृत्ति का कुल योग तो चार दस पंद्रह आठ पांच और तीन चार दस पंद्रह आठ पांच और तीन तो यहाँ पे कितना होगा पैंतालीस तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों पैंतालीस अब हमें क्या चाहिए एफ डी तो एफ और डी का गुणा करेंगे हम तो ये एफ है और ये डी है चार इंटू जीरो जीरो दस इंटू पांच पचास पंद्रह इंटू दस एक सौ पचास आठ इंटू पंद्रह एक सौ बीस पांच इंटू बीस सौ पच्चीस इंटू तीन पचहत्तर पचास एक सौ पचास एक सौ बीस सौ और ये पचहत्तर तो फोर नाइन्टी फाइव इसका टोटल होगा दोस्तों तो हम इसको यहां पे गठित कर देंगे कुल योग फोर नाइन्टी फाइव और यहाँ पे तीस चार सौ पंचानवे बटे पचास तो नौ पॉइंट सॉरी चार सौ पंचानवे बटे पैतालीस तो ग्यारह तब तो हम इसका टोटल करेंगे तीस प्लस ग्यारह यानी इकतालीस ये हो गया हमारा क्वेश्चन तीन अब क्वेश्चन नंबर चार की तरफ जाएंगे हम दोस्तों और उसको भी ऐसे ही गिनेंगे लेकिन हमें यहाँ पे अवलोकन और आवृत्ति दी गई है लेकिन इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें वर्ग और आवृत्ति दी गई है <coughs> तो हम वर्ग और आवृत्ति की पद्धति से गिनेंगे उसे क्वेश्चन नंबर चार पेज नंबर सेवेंटी नाइन है दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज नंबर सेवेंटी नाइन वर्ग दिया गया है जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास पचास से साठ और साठ से सत्तर अब दोस्तों हमें आवृत्ति दी गई है तो हम यहां पे आवृत्ति लिखेंगे आवृत्ति में विद्यार्थियों की संख्या तो यहां पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या एफ तीन पांच बारह सोलह ग्यारह पांच चार तो दोस्तों अब हमें जो आवृत्ति दी गई है तो उसका कुल योग करेंगे दोस्तों हम तीन पांच बारह सोलह ग्यारह पांच और चार टोटल योग होगा दोस्तों फिफ्टी सिक्स और एक बार चेक कर लेंगे कोई गलती तो नहीं है किसी योग में तीन पांच बारह सोलह ओके <coughs> अब दोस्तों एक्स फाइंड करेंगे मध्य कीमत x तो जीरो प्लस दस तो दस होगा दस बटे दो करेंगे तो पांच फिर दस प्लस बीस तो कितना होगा तीस बटे दो करेंगे तो पंद्रह यानी वर्ग को जोड़ के वर्ग को जोड़ के बटे दो करेंगे बराबर है फिर यहाँ पे आएगा पच्चीस पैंतीस पैंतालीस, पचपन और पैसठ अब जिसे हमने आगे के क्वेश्चन में माध्य ज्ञात किया था वैसे ही यहां पे माध्य ज्ञात करेंगे हमारे पास x है f है तो यहां पे a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे लिखेंगे डी एक्स माइनस ए तो ये याने माना हुआ माध्य माना हुआ माध्य हमारा है ए, ए कितना है पांच एन बी है हमारे पास फिफ्टी सिक्स अब हमें डी चाहिए तो एक्स में से ए माइनस कर देंगे आप पांच में से पांच गए जीरो पंद्रह में से पांच गए दस पच्चीस में से पांच गए बीस तीस, चालीस पचास और यहाँ पे साठ। तो यहाँ पे क्या होगा एफ डी बनाएंगे अब हम तो एफ डी बनाने के लिए एफ और डी का गुणा करेंगे दोस्तों तीन इंटू जीरो जीरो पाँच इंटू दस पचास बारह इंटू बीस बारह इंटू बीस दो सौ सो, चालीस सोल सोला इंटू तीस चार सौ अस्सी अग्यार इंटू चालीस चार सौ चालीस पाँच इंटू पचास दो सौ पचास चार इंटू साठ 240. तो दोस्तों हमने एफ ओ डी का गुणा कर दिया जैसे तीन इंटू जीरो जीरो पाँच इंटू दस पचास बारह इंटू बीस दो सौ सो चालीस सोलह इंटू तीस चार सौ अस्सी ग्यारह इंटू चालीस चार सौ चालीस पाँच इंटू पचास दो सौ पचास चार इंटू साठ दो सौ चालीस अब टोटल करेंगे पचास दो सौ चालीस चार सौ अस्सी चार सौ चालीस दो सौ पचास और दो सौ चालीस तो दोस्तों इसका कुल योग होगा टोटल सत्रह सौ फिर से एक बार टोटल करेंगे पचास दो सौ चालीस चार सौ अस्सी चार सौ चालीस दो सौ पचास और दो सौ चालीस सत्रह सौ बटे छप्पन तो दोस्तों यहाँ पे आएगा पाँच प्लस तीस पॉइंट छत्तीस अब इन दोनों को प्लस कह देंगे तो पैंतीस पॉइंट छत्तीस तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो गुण का माध्य मिला गुण का माध्य दोस्तों यहां पे कितना होगा पैंतीस दशमलव छत्तीस उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव गिनेंगे और क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दिया गया है दोस्तों से कम वाली पद्धति दी गई है तो चार से कम आठ से कम बारह से कम सोलह से कम और बीस से कम तो यहां पे एक मोबाइल धारक के लिखित सितर कॉल की बातचीत का समय निम्न है उसके बातचीत के समय का माध्य ज्ञात करना है हमें तो सबसे पहले वर्ग बनाएंगे दोस्तों वर्ग यानी मिनट में दिया गया है तो चार से कम यानी यहां पे लिखेंगे चार से कम फिर चार से आठ आठ से बारह बारह से सोलह और सोलह से बीस अब हम बनाएंगे आवृत्ति याने एफ तो जो हमें आवृत्ति दी गई है वो जोड़ के दी गई है जैसे संचय आवृत्ति की तरह तो जब हमें मूल आवृत्ति चाहिए हो मूल आवृत्ति जब चाहिए हो से कम में तो हमें जो लास्ट वाली रकम होती है वहां से हम माइनस करते आएंगे दोस्तों जैसे सितर में से पैंसठ गए तो कितने बचे पांच पैसठ में से सत्तावन गए तो आठ उसके बाद सत्तावन में से बयालीस गए तो पंद्रह बयालीस में से बीस गए माइनस करेंगे तो बाईस और फर्स्ट में बीस अब हमें फिर से बराबर यहां पे एक्स चाहिए तो आप यहां पे एक वर्ग ये भी ले सकते हैं जीरो से चार अब मध्य की मत करेंगे तो जीरो प्लस चार बटे दो करेंगे तो दो आएगा चार प्लस आठ करेंगे बारह बटे दो करेंगे तो कितना होगा बारह प्लस आठ बीस बटे दो करेंगे तो दस फिर सोलह प्लस बारह यानी बारह प्लस सोलह करेंगे तो अट्ठाइस होगा बटे दो यानी चौदह और सोलह प्लस बीस सोलह प्लस बीस बटे दो तो कितना होगा अठारह और यहाँ पे कुल योग करेंगे आवृत्ति का बीस बाईस पंद्रह आठ और पांच तो इसका योग होगा आवृत्ति का सत्तर अब हमें यहां पे डी चाहिए x माइनस ए तो माना हुआ माध्य हमारे लिए क्या होगा a दो होगा तो दो में से दो गए जीरो चार में से दो गए छह में से दो गए चार दस में से दो गए आठ चौदह में से दो गए बारह अठारह में से दो गए सोलह अब यहां पे दोस्तों हमने डी प्राप्त कर लिया है अब हमें एफ डी की जरूरत होगी माध्य के लिए तो ये डी और एफ का गुणा करेंगे बीस इंटू जीरो जीरो बाईस इंटू चार अठासी पंद्रह इंटू आठ पंद्रह इंटू आठ एक सौ बीस आठ इंटू बारह नाइन्टी सिक्स पांच इंटू सोलह अस्सी अब दोस्तों यहाँ पे एक्स बार यानी माध्यम एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन तो ए है दोस्तों हमारे पास दो एफ डी तो अट्ठासी प्लस एक सौ बीस छियानवे यानी नाइनटी सिक्स और अस्सी तीन सौ चौरासी बटे सत्तर तो यहाँ पे दो प्लस पांच पॉइंट उन उन पचास तो यहाँ पे होगा सात दशमलव उन पचास तो दोस्तों यहाँ पे उसके बातचीत के समय का माध्य यानि मोबाइल धारक के यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल धारक के बातचीत का माध्य सात दशमलव पचास होगा अब उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे हमें यहाँ पे वर्ग दे दिया गया है जीरो से सात सात से चौदह चौदह से इक्कीस इक्कीस से अट्ठाइस अट्ठाईस से पैंतीस तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग और अगर लाभ और हजार रुपये में लिखना है आपको तो आप वैसे भी दर्शा सकते हो हजार रुपया अब यहाँ पे जीरो से सात सात से चौदह और चौदह से इक्कीस इक्कीस से पैंत अट्ठाईस और अट्ठाईस से पैंतीस अब हमें यहाँ पे आवृत्ति भी दी गई है दोस्तों पीढ़ियों की संख्या तो पीढ़ियों की संख्या एफ चार नौ अठारह बारह और सात इसका योग करेंगे चार नौ अठारह बारह और सात तो यहाँ पे आवृत्ति का कुल योग होगा दोस्तों पचास अब हमें मध्य कीमत चाहिए तो मध्य कीमत एक्स इन दोनों को प्लस करके बटे दो करेंगे तो जीरो प्लस सात बटे दो तीन पॉइंट पांच उसके बाद है सात प्लस चौदह बटे दो तो दस पॉइंट पांच चौदह प्लस इक्कीस बटे दो तो सत्रह पॉइंट पांच उसके बाद इक्कीस प्लस अट्ठाईस बटे दो चौबीस पॉइंट पाँच अट्ठाईस प्लस पैंतीस बटे दो इकतीस पॉइंट पाँच तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक्स मिल चुका है अब हम डी याद करेंगे एक्स माइनस ए तो सबसे छोटी कीमत होती है उसे लेंगे क्योंकि माइनस कोई चीज आएंगी नहीं उसके बाद माइनस करने के बाद तो तीन पॉइंट पांच में से तीन पॉइंट पांच गए जीरो दस पॉइंट पांच में से तीन पॉइंट पांच गए तो दोस्तों सात फिर सत्रह पॉइंट पांच में से तीन पॉइंट पांच माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा चौदह चौबीस पॉइंट पांच में से सात तीन पॉइंट पांच को माइनस करेंगे इक्कीस इकतीस पॉइंट पाँच में से तीन पॉइंट पाँच गए तो अट्ठाईस अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एफ डी चाहिए तो एफ ये है और ये डी है तो इन दोनों का गुणा करेंगे चार इंटू जीरो जीरो नौ इंटू सात तिरसठ अठारह इंटू चौदह दो सौ बावन और बारह इंटू इक्कीस फिर से दो सौ बावन आएगा और सात इंटू अट्ठाईस एक सौ टोटल करेंगे दोस्तों तिरसठ दो सौ बावन दो सौ बावन और एक सौ सात सौ तिरसठ अब यहां पे हम सूत्र लिखेंगे दोस्तों माध्य x ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन तो दोस्तों यहां पे हमारे लिए ए होगा तीन पॉइंट पांच प्लस सिग्मा एफ डी दिया गया दोस्तों कुल योग है सात सौ तिरसठ और बटे एन में लिखेंगे पचास यहाँ पे लिखेंगे तीन पॉइंट पांच सात सौ तिरसठ बटे पचास तो पंद्रह पॉइंट छब्बीस तो दोस्तों यहां पे प्लस कर देंगे अभी इन दोनों को हम तो तीन पॉइंट पांच तो हमारा आंसर होगा अठारह पॉइंट छिहत्तर तो यहां पे हमें मांगा गया था लाभ का माध्य न्याद कीजिए तो हम यहां पे लिखेंगे दोस्तों अभी लाभ का माध्य एक्स बार अठारह पॉइंट छिहत्तर है कितना है अठारह पॉइंट छिहत्तर तो दोस्तों हमने अभी स्वाद्याय तीन पॉइंट एक के छह क्वेश्चन गिनती करके देख लिया और सभी का हमने माध्य ज्ञात किया इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन इसके आगे वाला है जो तीन पॉइंट एक में सातवा क्वेश्चन है वो आपको ढूंढना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो बराबर है तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्टूडेंट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया जाता है स्वाध्याय तीन पॉइंट एक में क्वेश्चन नंबर है सात इसका माध्य आपको याद करना है ओके